गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम भिंडी को दही में बनाएंगे। भिंडी दही बनाने के लिए सीखेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनता है और इसके लिए देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 1 पाव भिंडी है, ताज़ा भिंडी। इसको बढ़िया से धो के और टावल में पोंछ के इसको काट लिए हैं। ऐसे गोल गोल शेप में काटे हैं। और ये थोड़ा सा नमक ले लिए हैं और ये थोड़ा सा सरसों, जीरा और मीठा नीम की पत्ती ली हूँ ये। और 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 प्याज को काट के ली हूँ और 1 ठो हरा मिर्चे को काट ली हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच पीसी मिर्ची है लाल, और 1 चम्मच ही बेसन लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया काट के ले लिए हैं। और ये करीब 200 ग्राम दही ले लिए हैं। इसको फेंटना पड़ेगा। आइए कैसे बनता है देखते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिए हैं और इसके बाद ये भिंडी को सबसे पहले इसमें फ्राई करेंगे। इसको करीब 5 मिनट तक से इसको भूनना पड़ता है, नहीं तो चिपचिपा हो जाता है नहीं भूनने से। इसको ऐसे भूनना पड़ता है धीमी आँच में। इस तरह से इसको धीमी आँच में इसको भून लेना है। ये देखिए, ये थोड़ा से हल्का ब्राउन टाइप के हुआ है और इस तरह से बढ़िया भून लेने के बाद में ये सब्जी बनाने पर ये चिपचिपा नहीं होता है। अब इसको एक एक ठो प्लेट में निकाल लेती हूँ। आइए, भिंडी दही के लिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा से तेल ले लिए हैं और उसके बाद में ये थोड़ा से जीरा और सरसों लिए हैं। इसको पहले डाल देते हैं, फिर सरसों के चटकने के बाद थोड़ा से मीठा नीम की पत्ती लिए हैं, उसको डाल देते हैं। और उसके बाद ये एक बड़ा कटा हुआ प्याज लिए हैं, एक हरी मिर्ची है। इसको हल्का से इसको भून लेते हैं। इस तरह से देखिए, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसके बाद गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है और उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच पीसी मिर्ची डालना है और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डालना है। और इसके बाद इसको हल्का से इसको फिर भून लेते हैं। और हल्का इसको भूनने के बाद ये दही को फेंट लिए हैं और इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं। बेसन डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए बेसन का। और इसमें थोड़े से और पानी डाल देते हैं। इस तरह दही में थोड़ा से 1 चम्मच बेसन डाल के फेंटने के बाद अब इसको इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा से और पानी डालना पड़ता है। और कभी भी दही को सब्ज़ी में डालते हैं तो गैस का फ्लेम को स्लो ही करना है। इसमें 1 कटोरी और पानी डाल दिए हैं। फिर इसके बाद इसको एक उबाल आने देते हैं। इस तरह ग्रेवी में उबाल आने के बाद में भिंडी को डाल देने हैं, जो भिंडी हम लोग इसको फ्राई करके रखे हैं भूंज के, इसको डाल देना है। भिंडी को डालने के बाद में फिर हमको लगभग 5 मिनट और पकाना है, क्योंकि भिंडी को हम लोग भूंज डाले थे तो ऑलरेडी वो पक चुका है, इसलिए इसको सिर्फ 5 मिनट पकाना है। और इसके बाद लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डालना है। इस तरह से देखिए, अब 5 मिनट ये पक गया है। अब ये सब्जी पूरी तरह ये बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर बना है ये सब्जी, बहुत स्वादिष्ट होता है, बढ़िया। अब इसके बाद इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं, कटे हुए धनिया की पत्ती डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद सर्व करेंगे।
ये देखिए, ये भिंडी दही बन के तैयार हो गया है। ये ग्रेवी वाला बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होता है। इसको गर्मी के दिनों में और ज़्यादा करके खाया जाता है, क्योंकि ये दही वाला सब्जी है और इसमें मसाला एक भी नहीं डालना पड़ता है। बढ़िया दही में बनाते हैं इसको और चटपटा भी रहता है ये, तो इसलिए आप लोग भी इस तरह से भिंडी के सब्जी, दही भिंडी बना के खाएँ। और यदि पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।